5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व आज विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत एक विचार संगोष्ठी का आयोजन स्थानीय एक होटल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर सीताराम जायसवाल एवं संयोजक डॉक्टर बी एन अग्रवाल, चेस्ट फिजिशियन एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर एवं पर्यावरणविद उपस्थित रहे। लगातार बढ़े पर्यावरण असंतुलन के खतरे को देखते हुए संगोष्ठी में आए हुए लोगों ने अपने अपने विचार रखे। सफल आयोजन कर रहे शहर के जाने माने चेस्ट रोड विशेषज्ञ डॉक्टर बी एन अग्रवाल जी एवं डॉक्टर मीना अग्रवाल जी, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद माननीय अन्य वरिष्ठ चिकित्सकगण, मित्रजन एवं मीडिया के बंधु। मीडिया से बात करते हुए संयोजक डॉक्टर बी एन अग्रवाल ने बताया कि विश्व के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 14 भारत में, उसमें भी 4 उत्तर प्रदेश में है, जिसमें कानपुर नंबर 1 पर है। प्राय पा रहे हैं कि तमाम मेहनतों के बावजूद, मरीजों का मन से इलाज करने के बावजूद, ठीक से इलाज करने के बावजूद मरीज हमारे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। उनके साथ के बावजूद फूलती है, मरीज घर से बाहर निकल के जाता है, लौटता है, देखता है परेशानी बढ़ गई। फिर हमने विचार किया ऐसा अगर हो रहा है तो हमको इसके प्रिवेंटिव पार्ट पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चूँकि 5 जून को पर्यावरण दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक मीटिंग की, जिससे कि हम खुद डॉक्टर्स भी अवेयर हो पाएँ, जनता को अवेयर कर पाएँ पर्यावरण बचाव के लिए। क्योंकि पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहेगा तभी हम सांस की बीमारी को पूर्णतः कंट्रोल कर पाएंगे, अपने मरीजों को आराम दे पाएंगे।